हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के बारे में, जिसमें हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर फिजिक्स के बारे में। तो मॉलिक्यूलर फिजिक्स से रिगार्डिंग कुछ जनरल कंसीडरेशंस हैं जिन्हें हम कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कंसीडरेशंस के बारे में। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम का बेसिकली मतलब क्या होता है, कोई भी रेंज ऑफ कलर्स या आप कह सकते हो सीरीज ऑफ बैंड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी प्रिज्म से किसी वाइट लाइट को पास करते हैं, तो पास करने की वजह से करस्पॉन्डिंग हमें 7 कलर्स मिलते हैं, या आप कह सकते हो एक सीरीज ऑफ बैंड मिलता है या रेंज ऑफ कलर्स हमें मिलते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते देते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, जैसे ही आप कोई ईएम रेडिएशन किसी भी मैटर या स्पेसिमेन पे इंसिडेंट करते हैं, तो वो मैटर और एटम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने की वजह से वो अपने नॉर्मल एनर्जी स्टेट को छोड़कर हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि जो हायर एनर्जी स्टेट है वो अनस्टेबल होता है, तो ज़्यादा टाइम तक वहाँ नहीं रह पाते और वो दोबारा रिटर्न कर जाते हैं अपने नॉर्मल एनर्जी स्टेट के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही वो रिटर्न कर रहे होते हैं अपने नॉर्मल स्टेट के अंदर, तो करस्पॉन्डिंग वो कुछ रेडिएशन को बाहर एमिट आउट कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एमिटेड रेडिएशन। तो इन एब्जॉर्प्शन और इस रेडिएशन के करस्पॉन्डिंग हमें एक एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है। स्पेक्ट्रम का ही जो आपका बोल सकते हो प्लूरल है वो स्पेक्ट्रा होता है। तो जैसे वो ईएम रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रही हैं या एमिट हो रही हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलता है। अब ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो हमें मिला है, जब हम इसे किसी लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ के थ्रू देखते हैं किसी भी यूवी और विजिबल रीजन के अंदर, ठीक है, तो हमें बैंड्स नज़र आते हैं, कुछ डिस्क्रीट लाइंस नहीं, सिर्फ बैंड्स नज़र आएंगे। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए रेजोल्यूशन क्या होता है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ऐसी एबिलिटी जिससे वो उतनी ही फाइन और डिस्टिंक्ट इमेज को देख सके, उतनी ही ज़्यादा उसका हाई रेजोल्यूशन होता है। ठीक है, तो जब हम लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ के थ्रू देख रहे हैं, तो हमें जैसे ही वहाँ पे एक आप कह सकते हैं बैंड्स नज़र आएंगे, डिस्क्रीट अलग अलग इंडिविजुअल लाइंस नहीं दिखाई देंगी, इंस्टेड दैट बैंड्स नज़र आएंगे। ये जो बैंड है ये किसी रेंज ऑफ वेवलेंथ या आप कह सकते हो वाइड रीजन ऑफ वेवलेंथ के ऊपर लाए करते हैं। अब इन जो बैंड्स मिले हैं, इन बैंड के दो पार्ट्स होते हैं, यानी जिस रीजन में लाई कर रहे हैं, एक तो होता है बैंड हेड, जिसे बैंड हेड बोलते हैं, और एक होता है बैंड टेल, जिसे हम बैंड टेल बोलते हैं। बैंड हेड और बैंड टेल क्या होता है, जिस हेड के ऊपर इंटेंसिटी एकदम से ज़ीरो हो जाती है, कंप्लीट डार्क नज़र आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैंड हेड। और दूसरे एंड पे जहाँ इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही होती है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही होती है, यानी कि जहाँ हमें शेडिंग नज़र आती है, उसे हम बोल देते हैं बैंड टेल। अब ये जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इसको जब हम किसी हाई रेजोल्यूशन से देखेंगे, हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू देखेंगे, तो हमें इंस्टेड ऑफ दीज बैंड्स हमें इंडिविजुअल लाइंस नज़र आएंगी। ठीक है, अब ये जो इंडिविजुअल लाइंस है, ये किसी एक एंड के ऊपर तो आपको क्लोजली पैक नज़र आएंगी, जहाँ पर डेंसिटी इनकी ज़्यादा होगी, और दूसरी साइड पर वो थोड़ी सी दूर दूर होंगी। तो जहाँ वो क्लोज होगी, जहाँ उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली वहाँ पे वो क्या बन जाएंगे, डार्क बन जाएंगे, और जहाँ पे इंटेंसिटी उसकी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, या आप कह सकते हो दूर दूर हैं, तो वहाँ पे वो शेडिंग नज़र आएगी। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि जब भी हम उस स्पेक्ट्रम को, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को, किसी भी यूवी रीजन में या फिर विजिबल रीजन के अंदर देखते हैं, तो अगर उसको हम लो, आप बोल सकते हो लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू देखते हैं तो आपको बैंड्स नज़र आते हैं, और हाई रेजोल्यूशन के थ्रू देखते हैं तो आपको डिस्क्रीट लाइन नज़र आती है। अब ये जो बैंड शेडिंग आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे जो रीज़न हमने माना है, जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो किसको करस्पॉन्ड करेगा, वायलेट को, क्योंकि हम जानते हैं वायलेट की वेवलेंथ कम होती है, और जो लॉन्गर वेवलेंथ साइड है उसको हम रेड कलर मान लेंगे, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर आपने लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ के थ्रू देखा, तो एक एंड पे तो आपको इंटेंसिटी काफ़ी ज़ीरो नज़र आ रही है, एकदम डार्क हो गया, और दूसरे पे शेडिंग नज़र आ रही है, यानी कि इंटेंसिटी धीरे धीरे ज़ीरो की तरफ जा रही है। ठीक है, दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जब इसी को ही आप, ये जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इसको आप किसी हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ के थ्रू चेक करेंगे, तो आपको इस तरीके से इंडिविजुअल लाइंस नज़र आएंगी। तो कहीं तो ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होगी, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी और इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी, और कहीं ये थोड़ा दूर दूर होगी, जहाँ इंटेंसिटी धीरे धीरे ज़ीरो की तरफ करस्पॉन्ड कर रही होगी, या आप कह सकते हो शेडिंग नज़र आएगी। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूलर बैंड्स हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप यूवी और विजिबल रीजन के अंदर ही देखें, आप इनको इंफ्रारेड और माइक्रोवेव, यानी
फार इंफ्रारेड में भी आप देख सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन जो अभी हमने देखी, इससे हम ये कह सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ एटम, ज़रूरी नहीं है हम एटम्स के बारे में ही, यानी कि हम मोलिक्यूल्स के बारे में भी, उनके स्पेक्ट्रम के बारे में भी और उसके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। और इन एनर्जी लेवल्स के बीच में जो भी ट्रांजिशंस होती हैं, उनके लिए जो सिलेक्शन रूल्स हैं, वो हम क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब इन एनर्जी लेवल्स के बारे में प्रिडिक्ट करने के लिए हमें जो क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसको सॉल्व करने के लिए कुछ अप्रोक्सीमेशन मेथड्स आए थे टाइम टू टाइम। तो उसमें से एक अप्रोक्सीमेटन मेथड है आपका बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये मेथड क्या कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी है, दैट इज़ टोटल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई टोटल से, ठीक है, दैट इज़ इक्वल्स टू ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस में ई न्यूक्लियर। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे। यहाँ ई इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल की एनर्जी किसकी वजह से, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। और दूसरा है ई न्यूक्लियर, इसका मतलब क्या है, ये न्यूक्लियस की एनर्जी है, यानी कि दिस इज़ द एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ इट्स न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस के मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसको क्या बोल देंगे, ई न्यूक्लियर एनर्जी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है प्लस में जो न्यूक्लियस की वजह से जो एनर्जी है उसके सम के बराबर हो जाएगी। और इसे हमने बोल दिया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, एनर्जी इट करस्पॉन्ड्स टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी कि ये फंक्शन होगी उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की इंस्टेंटेनियस न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, यानी कि जो उसकी न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन होगी किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, उसके करस्पॉन्डिंग आपकी जो एनर्जी होगी उसको आप क्या बोल दोगे, एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है। इसको हमें पता लगाने के लिए कि भाई ये एनर्जी कितनी होगी, हमें कुछ क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये जो रिजल्टेंट एनर्जी हमें मिलेगी, ये बाद में एक सर्व करेगी हमारा इफेक्टिव पोटेंशियल फंक्शन की तरह, यानी कि ये जो इफेक्टिव पोटेंशियल फंक्शन है ये बाद में बताएगा हमें उस न्यूक्लियस के, जो भी मॉलिक्यूल आपने लिया है उसके न्यूक्लियस के मोशन के बारे में, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसको फर्दर हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं फोर पार्ट्स के अंदर। फोर पार्ट्स कौन कौन से हैं, दैट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी जो हमारी है ये सम हो जाएगी किस किस का, ई वाइब्रेशनल यानी कि वाइब्रेशन एनर्जी, ई रोटेशनल यानी कि रोटेशनल एनर्जी, ई ट्रांस यानी कि ट्रांसलेशन एनर्जी और ई इंट्रैक्शन यानी कि इंट्रैक्शन एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, वाइब्रेशन एनर्जी के बारे में। तो वाइब्रेशन एनर्जी क्या होता है, वाइब्रेशन एनर्जी एनर्जी होती है वाइब्रेशन की वजह से, यानी कि जब न्यूक्लियस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट कर रहा होता है, यानी कि उस वक्त कोई भी ट्रांसलेशन या कोई रोटेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर वाइब्रेशन होगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उसे क्या बोल देते हैं हम, वाइब्रेशन एनर्जी। सेकंड है रोटेशनल एनर्जी, इसका मतलब क्या है, दिस इज़ द एनर्जी ड्यू टू द रोटेशनल मोशन ऑफ द न्यूक्लियर फ्रेम, यानी कि न्यूक्लियर जिस भी फ्रेम के अंदर है उसको न्यूक्लियर फ्रेम बोल देंगे, उस न्यूक्लियर फ्रेम का जो रोटेशन होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उसे रोटेशनल एनर्जी बोल देंगे। अब ये जो न्यूक्लियर फ्रेम है ये रोटेट करेगा अबाउट द थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस और वो पास कर रहा होगा किससे, सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल से, ठीक है। थर्ड वन है ई ट्रांस यानी कि ट्रांसलेशन एनर्जी, ये किसकी वजह से, इट इज़ ड्यू टू द ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास आपका मूव करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी उसे हम क्या बोल देते हैं, ई ट्रांस। अब हम बात करेंगे फोर्थ एनर्जी का जिसका नाम है ई इंटर, इसका मतलब क्या है, इंट्रैक्शन एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशंस इन द मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितनी भी तरह के मोशंस हो रहे हैं उसके इंट्रैक्शन की वजह से, और उसमें जो भी इंट्रैक्शन हो रहा है उसके इंट्रैक्शन की करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उसे हम क्या बोल देंगे, इंट्रैक्शन एनर्जी। तो हमने यहाँ चार टर्म्स में डिवाइड कर दिया न्यूक्लियर एनर्जी को, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल एंड इंट्रैक्शन एनर्जी, ठीक है। तो जो ये थर्ड और फोर्थ एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रांसलेशनल एनर्जी और इंट्रैक्शन एनर्जी, जनरली हम इनको ड्रॉप आउट कर देते हैं, इन दोनों टर्म्स को कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो ई ट्रांसलेशन एनर्जी है नॉट क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड रिजल्ट नहीं है, और जो ई इंट्रैक्शन एनर्जी है गैसीय स्टेट में इनसिग्निफिकेंट रहता है। इनसिग्निफिकेंट क्यों, क्योंकि हम जानते हैं गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं
वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में इंट्रैक्शन बहुत कम होता है, और इंट्रैक्शन बहुत कम होगा तो इंट्रैक्शन एनर्जी भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी। हालांकि ये दोनों एनर्जीज जो हैं ये सॉलिड की केस में जब हम स्टडी करते हैं तो ये सिग्निफिकेंट होती है, इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्वांटाइज रिजल्ट भी मिलते हैं, और ये जो सिग्निफिकेंट रोल इंट्रैक्शन एनर्जी जो है इसका सिग्निफिकेंट रोल होता है, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं और उनके बीच में इंट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इंट्रैक्शन एनर्जी की एक अप्रिशिएबल अमाउंट हमें मिल जाती है। तो यानी कि फ्रॉम वन एंड टू जो दोनों इक्वेशन है, टोटल एनर्जी अगर हम उसे देखेंगे तो टोटल एनर्जी पहले किसका सम थी, न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी का, तो ई टोटल यहाँ पे बन जाएगा ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस में ई वाइब्रेशनल प्लस में ई रोटेशनल। मान लीजिए क्या है, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई है। अब ये जो तीनों एनर्जीज हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल रोटेशनल, ये तीनों एक दूसरे की इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। अच्छा, इसमें जो टोटल एनर्जी में जो हम चेंज की बात करेंगे तो चेंज इन टोटल एनर्जी करस्पॉन्ड टू द चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, चेंज इन वाइब्रेशन एनर्जी और चेंज इन रोटेशनल एनर्जी, यानी इन तीनों एनर्जीज में जो चेंज आएगा वही चेंज किसको करस्पॉन्ड करेगा, टोटल एनर्जी के चेंज को। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से ये देखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है सबसे ज़्यादा, इसके अंदर जो चेंज आता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद वाइब्रेशन के अंदर होता है और इसके बाद रोटेशनल के अंदर होता है। ठीक है, इससे हम कुछ जो ऑब्जर्वेशन से ये भी देखा गया है कि जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा यूवी और विजिबल रीजन के अंदर बनता है, जो भी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम आपको करस्पॉन्ड करेगा यूवी और विजिबल रीजन के, वो इसलिए आएगा जब ट्रांजिशंस होंगी बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में ट्रांजिशंस होंगी तो जो करस्पॉन्डिंग आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम मिलेगा वो किस में मिलेगा, यूवी और विजिबल रीजन के अंदर। ठीक है, जब ट्रांजिशंस होंगी, जो भी आप ट्रांजिशन स्टडी करो, वाइब्रेशन लेवल्स के बीच में होंगी तो वो करस्पॉन्ड करेगा इंफ्रारेड रीजन को, यानी कि वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देगा इंफ्रारेड रीजन के अंदर। और जब जो ट्रांजिशंस हो रही हैं वो उन एनर्जी लेवल्स में हो रही है जो रोटेशन लेवल्स के करस्पॉन्डिंग है, तो उस वक्त जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम मिलेगा वो आपको मिलेगा इंफ्रारेड या माइक्रोवेव रीजन में, जो माइक्रोवेव को बोल सकते हैं, फार इंफ्रारेड रीजन के अंदर भी आपको वो स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जैसे कोई मान लीजिए कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो एटम है, तो उसके स्पेक्ट्रम, उसके जो भी आपको उस मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम मिल रहा है और जो उसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी बाइंडिंग के बारे में पता होना चाहिए कि वो दोनों एटम्स किस तरीके से बाइंड हुए हुए होते हैं। तो यहाँ पे आप दो तरह के फोर्सेस को कंसिडर करेंगे। पहला फोर्स है अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। ये कैसे हैं, देखिए, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के मतलब ये है कि वहाँ पे दो एटम्स होंगे, दो एटम्स हम कंसिडर करें, तो दो एटम्स के बीच में क्या क्या कंसिडरेशंस हो सकती हैं। पहला तो ये है कि जब दो एटम आपके रखे हुए हैं तो एक का तो आप इलेक्ट्रॉन्स लोगे और दूसरे के न्यूक्लियस लोगे, या पहले वाले का न्यूक्लियस लोगे और सेकंड वाले का इलेक्ट्रॉन्स लोगे, तो इनके बीच में आपको एक अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नजर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं लाइक चार्जेस रिपेल करते और अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। तो जब दो एटम्स आप ले रहे हो तो फर्स्ट वाले के आप न्यूक्लियस ले सकते हो और सेकंड वाले का इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हो और वाइस वर्सा ले सकते हो, तो उसकी वजह से आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा। ऑन द अदर हैंड रिपल्सिव फोर्स भी जनरेट होगा, वो कैसे, कि दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में और दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में हमें क्या नज़र आएगा, रिपल्सिव फोर्स नज़र आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर वो दोनों, जो भी आपने दोनों फोर्सेस लिए हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, उस न्यूक्लियस के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, वो न्यूक्लियस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, अगर वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो उस केस के अंदर ये दोनों जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस है ये एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, बैलेंस कर जाएंगे। अगर ये दोनों बैलेंस कर गए तो उस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी, क्योंकि हम जानते हैं जो सिस्टम जितना ज़्यादा इक्विलिब्रियम में होगा, जो सिस्टम जितना ज़्यादा बैलेंस रहेगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, यानी कि स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए तो एनर्जी कम होगी और एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी। मान लीजिए हम एक काम करते हैं, उन दोनों एटम्स को क्लोज लाने की कोशिश करते हैं, अगर उन दोनों एटम्स को हम क्लोज लाने की कोशिश करेंगे तो उसकी वजह से उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस, जो रिपल्सिव फोर्स है वो रैपिडली इंक्रीज होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिपेल करेंगे। सिमिलरली जब आप उन एटम्स को दूर लेके जाओगे तो अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, क्योंकि दूर लेके जाओगे तो उनको अट्रैक्टिव फोर्स होगा बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द क्लाउड्स और बोथ द एटम्स। ठीक है, यानी कि दोनों ही केसेस में, चाहे तो आप उसको नज़दीक ला रहे हो चाहे आप उनको दूर ले जा रहे हो, दोनों ही केस के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी अपनी मिनिमम वैल्यू से। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उसको क्लोज ले जा रहे हो या आप उसको दूर ले जा रहे हो तो बाहर से आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी उस मॉलिक्यूल को देनी पड़ रही है, उसको नज़दीक ला के और उसको दूर ले जाए। ठीक है,
अच्छा, कोई रियल मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं, तो जब हम उनको दूर ले जा रहे थे दूसरे दोनों एटम्स को, तो एक पर्टिकुलर सेपरेशन के बाद वो दोनों जो मॉलिक्यूल के दोनों एटम्स से पूरी तरह क्या हो जाएंगे, जो मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम दो न्यूक्लियस को नज़दीक लाना चाहते हैं, दो एटम्स को हम क्लोज लाना चाहते हैं, तो हमें एक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी उस मॉलिक्यूल को सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी हम उनको क्लोज ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह एक पोटेंशियल एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन, इंटर न्यूक्लियर का मतलब क्या है, दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो सेपरेशन है, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का सेपरेशन, उसके बीच में जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो हमें इस तरह का कर्व नज़र आता है। एक कर्व तो किसी एक्चुअल सॉलिड लाइन है, ये एक्चुअल मॉलिक्यूल के लिए है, और जो डॉटेड है ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कंसिडर किए। तो इस कर्व से हम ये देख सकते हैं जब उनका बीच का जो सेपरेशन है, इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन, वो इक्विलिब्रियम पे जब है उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और दोनों ही केस में जब उनका सेपरेशन आप कम कर देते हो, सेपरेशन को ज़्यादा कर देते हो, तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, उसकी मिनिमम वैल्यू से, जब वो इक्विलिब्रियम में है उससे उन दोनों ही केसेस की जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। अब मोर्स फंक्शन था जो जो डिस्क्राइब करता है इस कर्व को, जिसके थ्रू उन्होंने ये बताया था, जिन पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होता है ये किसके बराबर होता है, डी ई वन माइनस एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट माइनस अल्फा आर ई माइनस आर और उसका होल स्क्वायर। मान लीजिए ये क्या है, इक्वेशन नंबर 5 है। यहाँ पे जो ई आर है, ई आर शो कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को, जो भी हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है। डी ई शो करता है डिसोसिएशन एनर्जी को, अल्फा एक कॉन्स्टेंट है किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए, और यहाँ पे आर क्या है, इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन है। आर यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम इंटरमीडिएट सेपरेशन है कि जब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। ये जो रिजल्ट है मोर्स फंक्शन ने जो इस कर्व के बारे में बताया है, ये सब जगह एप्लीकेबल एक्सेप्ट आर टेंड्स टू जीरो, यानी कि जब जो इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन नहीं जीरो को टेंड करता है, तब ये मोर्स फंक्शन करेक्ट पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू नहीं देता, यानी कि ई आर की वैल्यू नहीं आती है जब आर जीरो को टेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट considerations of molecular physics. Thank you.